हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल की और इसके वर्किंग की। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जनरेटर क्या होता है। फ्रेंड्स, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये डीसी जनरेटर है तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन को किसके फॉर्म में मिलेगी, डीसी के फॉर्म में मिलेगी, यानी डायरेक्ट करंट के फॉर्म में मिलेगी। और फ्रेंड, जो जनरेटर होता है ये डिपेंड होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है। अब इसका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कोई कंडक्टर रखा हो और उसमें अगर फोर्स लगा दें, है ना, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये एन पोल है और ये एस पोल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अपन ने ये एक कंडक्टर रख दिया। अब इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इस कंडक्टर में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी, या तो इन दोनों पोल्स को अपन हिलाने, यानी इन दोनों को अपन को हिलाएंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, है ना, या कंडक्टर में फोर्स लगा के या कंडक्टर को हिला दें, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें अपन फोर्स लगाते हैं, यानी इस कंडक्टर को अपन को हिला देंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी वोल्टेज प्रोड्यूस होने लगता है। इसी को बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं फिर से बता दूंगा आपको, इन दोनों पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो इस कंडक्टर में, है ना, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होगी, या इन दोनों पोल्स को हिला दें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, या कंडक्टर को हिला दें, इसमें फोर्स लगा दें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कंडक्टर में। फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। चलिए अब इसके वर्किंग की तरफ चलते हैं अपन, है ना। फ्रेंड्स, देखिए ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये एन पोल है, एस पोल है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एन से एस के तरफ ही जाती है, ठीक है। ये जो हैंडल है ये प्राइम मूवर है। प्राइम मूवर किसके लिए यूज़ होता है, इसको घुमाने के लिए, या तो अगर ये बड़े बड़े पावर प्लांट में इसको अपन किससे घुमाते हैं, टर्बाइन से कनेक्ट रहता है ये, तो तब अपना आर्मेचर घूमता है। मगर अभी अपन इसको समझाने के लिए अपन मतलब हैंड से घुमा देंगे अपन इसको। देखिए ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसमें एक पॉइंटर होता है, है ना, गैल्वेनोमीटर में वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। अगर वो पॉइंटर पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा यानी डीसी करंट है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा यानी एसी करंट है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर दिखाया है, क्योंकि अपन को ये डीसी जनरेटर है तो हमेशा गैल्वेनोमीटर पॉइंट किस तरफ होना चाहिए, डीसी होना चाहिए, है ना, डीसी आउटपुट तभी मिलेगा अपन को। अब देखिए इसमें अपन ने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया है। अपन ने जैसे इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, है ना, तो ये देखिए कॉइल्स हैं जो ये लगी हुई हैं, ये भी रोटेट हो जाएगी, है ना, ये इलेक्ट्रिकल कॉइल रोटेट हो जाएगी। तो ये जो वायर कनेक्ट है इसमें, एक ये वाला वायर और एक ये वाला वायर, तो जानते हैं कि वायर कनेक्ट है, ये घूमता जाएगा टूट जाएगा बीच से, आपस में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट तो अपन को यहीं से लेना है, है ना, ये टूट जाएगा। इसको अपन को प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए अपन को यहाँ पर ब्रश लगाना पड़ता है, है ना। जैसे देखिए ये ब्रश लगा दी अपन ने, एक ब्रश का नाम दे दिया B1 और दूसरी ब्रश का नाम दे दिया B2, है ना। अब देखिए जब ये रोटेट होगा अब, तो ये जो AB वाला टर्मिनल, AB वाला जो कॉइल्स है ये इधर आ जाएगा, CD वाला जिसका ये है ये इधर आ जाएगा, इस तरीके से देखिए, है ना, AB वाला इधर आ गया, CD वाला इधर आ गया, है ना। अभी यहाँ पर ये ब्रश किस ब्रश से कनेक्ट था, AB वाला B1 से और CD वाला B2 से, और यहाँ पर जब ये घूम गया, CD वाला B1 से कनेक्ट हो गया और AB वाला B2 से कनेक्ट हो गया, यानी ये कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा अपन को बार बार। तो अपन इसको ऐसा इसमें क्या लगा दें कि कनेक्शन अपन को ये ऑटोमेटिक होता रहे, है ना। तो इसको अपन को रिप्लेस करने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, यहाँ पर कम्यूटेटर, ठीक है, ये कम्यूटेटर, ये बहुत ही नैरो डिस्टेंस रहता है इन दोनों के बीच में, बहुत ही कम। अब कम्यूटेटर क्या होगा, जब ये रोटेट होगी तो बार बार अपन को कनेक्शन चेंज करना नहीं पड़ेगा। और अभी अपन मैं आगे और समझा दूंगा आपको कि कम्यूटेटर क्यों लगाया। देखिए इधर भी अपन ने कम्यूटेटर लगा देंगे, ठीक है। जो कम्यूटेटर होता है ये फिक्स्ड होता है, कम्यूटेटर फिक्स होगा। जब ये कॉइल घूमेगी तो ये वाला जो पार्ट है कम्यूटेटर का, तो ये इधर आ जाएगा और इस वाला पार्ट है ये इधर आ जाएगा, लेकिन ब्रश में क्या है, ब्रश स्लिप होती रहती है कम्यूटेटर के ऊपर, है ना, ये फिक्स रहती है ब्रश, लेकिन ये जो कम्यूटेटर है वो रोटेट हो जाता है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ये गैल्वेनोमीटर है, मैंने दिखाया नहीं है, इसमें एन पोल है, एस पोल है, ठीक है, ये तो आप जान गए हैं। देखिए कम्यूटेटर अपन ने लगा दिया इसमें, है ना। अब अपन को ये पता नहीं है कि इसमें जो करंट है किस डायरेक्शन में अपना होगा, ठीक है, ये पता नहीं। तो
फ्रेंड्स, कोई भी जनरेटर हो, चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, उसके आर्मेचर में हमेशा एसी ही प्रोड्यूस होता है, यानी जो करंट हमेशा इंड्यूस होगा, ठीक है ना, तो एसी ही होता है। अपन जब उसके आउटपुट जनरेटर से निकालते हैं तो अपन उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने ये डीसी जनरेटर है तो डीसी आउटपुट अपन को लेना पड़ेगा, उसके लिए अपन ने ये कम्यूटेटर लगाया। अभी इसके मैं वर्किंग पूरी अच्छे से दिखा देता हूँ आपको क्या होती है। फ्रेंड्स, जो डीसी जनरेटर है इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं अपन करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए। जैसे देखिए, ये जो कॉइल्स है अपनी, है ना, ये कॉइल्स हैं, ये अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। मान लो जैसे इस तरीके की कॉइल है, ये भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। मान लो हॉरिजॉन्टल बोले तो देखिए इस तरीके में दिखा देता हूँ, ये ऐसी रखी हुई है कॉइल, है ना, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है इसका। फ्रेंड्स, इसमें देखिए ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे अपन। इसको देखिए, थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेट फील्ड को, और सेकेंड फिंगर रिप्रेजेंट करेंगे करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। तो अपन इसको इस तरीके से इंक्लाइन करें कि ये जो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए तो अपन को करंट की डायरेक्शन पता चल जाए। जैसे देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो इस फिंगर को अपन ने ऐसे कर दिया, ठीक है। आप अपन इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना जो थम है अपन इसको ऊपर कर देंगे, है ना, क्योंकि फोर्स ऊपर लगेगा, और ये फिंगर ऐसे निकाल दिए, तो यानी अपन इसमें करंट की डायरेक्शन अपन को पता चल गई। करंट की डायरेक्शन देखिए ये थी, तो करंट की डायरेक्शन यानी करंट इनवर्ड होगा इसमें, करंट इनवर्ड यानी करंट अंदर तरफ जाएगा। अब इसी तरीके से सीडी वाले की तरफ अपन देखेंगे, तो देखिए अब मैं अपने हैंड को थोड़ा सा इस तरीके से इंक्लाइन कर दे रहा हूँ। देखिए, ये मैग्नेट फील्ड हो गई, ये फोर्स हो गया, है ना, और ये क्या हो गई, ये करंट हो गई, है ना। तो ये करंट इसमें क्या हो रहा है, आउटवर्ड आ रहा है ना, तो अपन को आउटवर्ड करंट अपन बना दिए। क्लॉकवाइज रोटेट होगी ये कॉइल, जैसे पहले अपनी कॉइल जैसे ये देखिए ऐसी थी, मैंने बताया था ये ऐसी थी, ये अब ये रोटेट हो जाएगी तो ये ऐसी हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी, यानी वर्टिकल पोजीशन में ऐसी आ जाएगी। पहले ये ऐसी थी, अब ये ऐसी आ जाएगी, यानी डायग्राम से भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए इस तरीके की आ जाएगी कॉइल। अब देखिए, जैसे ये कॉइल आई यहाँ पर अभी करंट की डायरेक्शन कैसी थी, उसमें ए से बी की तरफ थी, है ना, इस वाले डायग्राम में मैंने बताया था जो, है ना, इसमें करंट की डायरेक्शन देखिए कैसी थी, ए से बी की तरफ थी। जैसे ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगी तो इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पहले ए से बी थी, अब क्या जाएगी, बी टू ए हो जाएगी। ऐसा होता ही है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल होगी तब तो ठीक है ये। अब इसमें जैसे फोर्स लगेगा, इसमें आप इसमें मैग्नेट ये देख लीजिए, जैसे ये अपन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो इसमें फोर्स कैसा कैसा आएगा, इसमें फोर्स देखिए नीचे की तरफ लगने लगेगा इसमें, क्योंकि ये कैसी क्लॉकवाइज ऐसी रोटेट हो रही है, तो फोर्स इसमें ऐसा लगने लगेगा, तो करंट इसमें बाहर की तरफ निकलने लगेगा, है ना। अब ये देखिए, करंट ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ऐसे आएगा करंट, है ना, करंट ऐसे आएगा, और ये जो ब्लू वाला है कम्यूटेटर है इससे कनेक्टेड है, ये ब्रश कर रहा है, तो ब्रश के थ्रू ये इधर से आएगा करंट, यहाँ से होके ये इधर से होके इधर से होके ये रेड वाले कम्यूटेटर के साथ, ये रेड वाला कनेक्ट किससे है, इससे कनेक्टेड है, ये कनेक्ट इससे हो जाएगा, ये कनेक्ट ऐसा, ठीक है। तो ये यानी अपन को करंट कौन सा कैसा मिल जाएगा, डीसी अपन को आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि और डीसी ये अपन को चाहिए था, ठीक है। अब इसमें करंट देखिए, यहाँ तो यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें भी फ्लेमिंग अपन राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी करंट इधर जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही ये परपेंडिकुलर आता है, जैसे ही परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ सॉरी, जैसे ही ये वर्टिकल पोजिशन पर आ जाएगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी। जैसे देखिए, ये इस डायग्राम पे देखिए आप, जैसे ही आ गया तो अभी कौन सा कैसी डायरेक्शन थी करंट की, डी से सी की तरफ थी, है ना, ये देखिए डी से सी की तरफ थी। लेकिन जैसे ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे आ जाती है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये सी से डी, ठीक है। अब इससे अपना जो करंट है यहाँ से आएगा, इस कंप्यूटर से ब्रश कनेक्टेड है, यहाँ से आएगा करंट, ये इधर से फ्लो होगा करंट, फिर ये इधर से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होके ये ब्लू में आएगा, फिर ये इधर आएगा, है ना। तो इसमें करंट की डायरेक्शन
वो होती है, यानी चेंज होती रहती है, ये चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, ठीक है। अपन ने कम्यूटेटर इसी पर्पज़ के लिए लगाया कि जैसे ये इधर पर आए करंट, जैसे ये इधर आए करंट, क्योंकि करंट की यहाँ चेंज हो जाएगी, तो ये कम्यूटर इससे कनेक्ट हो जाए और अपन को डीसी आउटपुट मिल सके। देखिए इस डायग्राम में और आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। फ्रेंड जैसे ही जब अपनी कॉइल्स होती है ना, ये देखिए ये कॉइल है अपनी, है ना, ये कॉइल जब इस पोजीशन पे होती है, यानी इस तरीके की होती है, ये ऐसी खड़ी रखी, ऐसी रखी हुई होती है, तो इसमें क्या होता है, हमेशा वोल्टेज है ना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जैसे देखिए ये देखिए सबसे ज़्यादा बनता है, लेकिन जैसे ही ये परपेंडिकुलर हो जाती है, जैसे ये परपेंडिकुलर होती है, तो इसमें जो परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ वर्टिकल आती है, तो इसमें वोल्टेज क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा कम रहता है। फिर ये फिर रोटेट हो जाती है ऐसी, है ना, फिर वोल्टेज सबसे ज़्यादा रहता है, फिर ये परपूर्ण, और इसमें करंट भी चेंज होता है। जैसे देखिए ए से बी की तरफ, पहले इस पोजीशन पे थी तो ए से बी की तरफ करंट था, अब इस पोजीशन पे देखिए आप बी से ए की तरफ है करंट, इसमें ऐसे ही इसमें है, ऐसे ही इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। और ये करंट की डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, फ्लेमिंग रेफ्ट, जैसे ये थोड़ा सा भी यानी इधर हो जाएगा तो फोर्स कैसे लगने लगेगा अपना, फोर्स अगर ऊपर लगेगा तो करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, और फोर्स अगर नीचे लगेगा तो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, है ना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। और फ्रेंड्स कम्यूटेटर का जो मैंने फंक्शन आपको बता दिया है, है ना, क्यों बता दिया, क्या बताया था मैंने आपको, एक बार और देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे ही करंट इसमें बनता है तो मैंने बताया था, वैसे ही वर्टिकल पोजीशन में आता है तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्यों चेंज होती है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जैसे ही लगाएंगे आप, थोड़ा सा भी ऐसी होगी कॉइल तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, जैसे ही करंट डायरेक्शन चेंज होगी तो एक कम्यूटेटर के थ्रू ये अपना डीसी आउटपुट पर्टिकुलर मिलता रहेगा, है ना। ये देखिए इसका कनेक्शन इस तरीके का मैंने बताया था, ये इधर जाएगा करंट, इधर जाएगा करंट, इधर जाएगा, फिर आपको डीसी मिलने लगेगा। फ्रेंड थोड़ा इस वीडियो का रिव्यू देख लेते हैं अपन। जैसे इस ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन इस कॉइल की, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है इसमें क्लॉकवाइज है, नीचे वाले सर्किट में भी और अपने कॉइल वाले सर्किट में भी, है ना। जैसे देखिए उसमें ए से बी की तरफ जा रही है, फिर सी से डी की तरफ आ रही है, और नीचे वाले सर्किट में जहाँ ब्रशेस लगी है वहाँ से फिर होती हुई ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब जैसे ही इसकी ये वर्टिकल पोजीशन आ जाती है, चलिए वर्टिकल पोजीशन दिखा देता हूँ। देखिए ये इसका वर्टिकल पोजीशन है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स जो नीचे वाले सर्किट में है उसमें तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, लेकिन ऊपर वाले सर्किट में यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी पहले जो करंट जा रहा था ए से बी की तरफ जा रहा था, अब ये देखिए बी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये साइड में जो फोटो बताई है मैंने उसमें भी आप देख सकते हैं, पहले थी ए से बी, अब वर्टिकल पोजीशन आने के बाद बी से ए की तरफ आ रही है, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है वर्टिकल पोजीशन में। और फ्रेंड वर्टिकल पोजीशन में करंट की डायरेक्शन चेंज क्यों होती है, कि जैसे ही वर्टिकल आता है इस टाइम वोल्टेज बिल्कुल भी इंड्यूस नहीं होता है, यानी वोल्टेज बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती है। और जैसे ही ये जो ए बी ऊपर वाली कॉइल है, जैसे ए बी टर्मिनल ऊपर है ना अपना कॉइल का, तो जैसे ही ये फिर नीचे की तरफ झुकती है, तो यानी जैसे ही फोर्स अगर नीचे की तरफ लगता है तो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड आती है, इसीलिए करंट की डायरेक्शन यहाँ चेंज है। और फ्रेंड्स ये कॉइल फिर रोटेट हो जाएगी, यानी जो सी डी वाला जो कॉइल है वो ऊपर आ जाएगी। देखिए इसमें भी करंट की डायरेक्शन, जैसे देखिए करंट की डायरेक्शन में सी से डी की तरफ है, है ना, और नीचे वाले सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, बिल्कुल प्रॉपर सही है। लेकिन जैसे ही अब ये वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा, देखिए वर्टिकल इसका दिखाता हूँ फ्रेंड, देखिए अब ये वर्टिकल पोजीशन में आ गई, तो पहले करंट की डायरेक्शन कैसी थी, डी से सी की तरफ करंट आ रहा था, इसमें अब कैसे आ रहा है, सी से डी की तरफ आ रहा है, है ना। और नीचे वाले सर्किट में लेकिन करंट की डायरेक्शन सेम है, यानी ये क्यों हो रहा है, कम्यूटेटर के थ्रू ये करंट की डायरेक्शन सेम हो रही है, इसीलिए अपन ने कम्यूटेटर लगाया है। और आप अपन को आउटपुट में भी अपन को डीसी मिलेगा, यानी आर्मेचर में तो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है हर 180 डिग्री में, लेकिन जो अपने नीचे वाले सर्किट में है जो आउटपुट अपन को मिलता है वो प्रॉपर डीसी ही मिलता है। देखिए फ्रेंड्स ये कॉइल फिर रोटेट हो जाएगी, है ना, तो अब ए भी फिर ऊपर आ जाएगा, देखिए इसमें ए भी फिर ऊपर आ गया, तो करंट की डायरेक्शन में फिर क्या हो गई, ए से बी हो गई, है ना। अब वर्टिकल पोजीशन में आएगा, फिर उसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन नीचे वाले सर्किट में करंट की डायरेक्शन सेम होगी, यानी अपन को प्रॉपर डीसी आउटपुट मिल जाएगा। चलिए अब इसकी थोड़ा सा वेव फॉर्म देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स जब इसमें 90 डिग्री पे जो कॉइल है, है ना, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ जा रही है, जैसे ही वर्टिकल आ जाती है तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और क्यों चेंज होती है, अगर अपन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, फोर्स है ना डाउनवर्ड लगने लगता है, अगर फोर्स डाउनवर्ड लगता है तो करंट क्या है आउटवर्ड आने लगता है, इसीलिए इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। और इसमें
करंट की डायरेक्शन चेंज तो होती है, लेकिन इसमें इस समय वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता है क्योंकि मैग्नेटिक जो लाइंस है वो चेंज नहीं होती है, इसीलिए इसमें वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता। ये थोड़ा सा जब इसका एंगल है ना नीचे की तरफ आता है ना, तब इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, बिल्कुल थोड़ा सा। अब देखिए जैसे 270 डिग्री पे आएगी तब भी करंट की डायरेक्शन सी से डी की तरफ थी, फिर ये 360 डिग्री पे आ जाएगी, फिर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डी से सी की तरफ चल रही है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव वेवफॉर्म देखिए आप, बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव तरफ चल रही है। क्यों? इसमें अपन कम्यूटेटर लगाते हैं नीचे वाले सर्किट में, तो करंट की डायरेक्शन प्रॉपर उसमें क्लॉकवाइज होती है, इसीलिए अपन ने कम्यूटेटर लगाया हुआ है और अपन को प्रॉपर डीसी आउटपुट मिल जाता है डीसी जनरेटर से। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि डीसी जनरेटर का वर्किंग क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल क्या होता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फ्रेंड्स बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स जो ऊपर आई बटन दिखाना है ना राइट हैंड साइड पर, उस पर भी क्लिक करके आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।